सब्सक्राइब कीजिए एमडी किचन चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा दलाल, एमडी किचन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बना रहे सूजी का हलवा। रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बना रहे सूजी का हलवा। इसमें एक कटोरी सूजी, एक कटोरी शक्कर, चार बड़े चम्मच घी और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट और सूजी के तीन गुना दूध ले रहे हैं, जो हमें गुनगुना लेना है। सबसे पहले गैस पे पैन रखिए, चार बड़े चम्मच घी, थोड़ा घी हम बचा के रखते हैं, घी गरम होते ही हमें उसमें सूजी डालना है। सूजी धीरे धीरे हमको मिला हिलाना है, जहां तक उसका रंग थोड़ा गहरा लाल ना हो जाए। हिलाते रही है, गैस की आंच थोड़ी फास्ट बीच बीच में कर सकते हैं आप। ये जो सूजी का हलवा हम बना रहे हैं, वो प्रसाद के लिए भी बना सकते हैं, कोई अच्छे प्रसंग के लिए बना सकते हैं, या हमारे घर कोई मेहमान आ जाए अचानक तो उसे भी हम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये जो घी थोड़ा थोड़ा छूटा हो रहा है, हमारी सूजी फूलने लगी है। आंच आप धीरी कर दीजिए, आप देख सकते हैं मैंने गैस धीमा कर दिया है, हमारी सूजी धीरे धीरे फूलने लगी है और हल्की हो गई, आप देख सकते हैं। हल्की सुगंध आ जाए, अपनी सूजी हल्की हो जाए और धीरे धीरे उसका रंग बदलने लगे। गैस धीमी आंच पे करके थोड़ा थोड़ा जो हमने दूध जो गुनगुना किया था और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक कटोरी सूजी है, समझिए तो तीन गुना उसका पानी दूध डालना है। हम पानी में नहीं बना रहे हैं, क्यों, ये प्रसाद के लिए भी बनाना है, छोटे बच्चे के लिए भी बना सकते हैं, मेहमान के लिए भी बना सकते हैं। गैस की आंच फास्ट करके उसे दो मिनट ढक दीजिए, जिससे हमारी सूजी पक जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी सूजी पकने लगी है, हमारा घी धीरे धीरे छूटा हो रहा है। जितनी सूजी ली है उतनी शक्कर लेनी है हमें। और ड्राई फ्रूट में जो हमने किशमिश ली है वो डालनी है। और एक बार उसे धीरे से हिला देना है। आप देख सकते हैं ये जो हमारी किशमिश है अंदर धीरे धीरे वो फूलेगी। और ये जो शक्कर डाली है थोड़ी आंच करके ढक्कन डाल के थोड़ी देर रखिए। जब तक हमारा ये होता है तब तक हमने जो ड्राई फ्रूट लिए हैं वो ड्राई फ्रूट काट लेते हैं। काजू लिया है,
बादाम, हमको बादाम ना पसंद हो तो ना डाल सके। पिस्ता, हमारे मन चाहे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और ये जो प्रसाद को हम मन चाहा रूप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारी सूजी एकदम पक गई है। उसे धीरे धीरे जो शक्कर डाली है इसमें हम केसर डाल सकते हैं, हमें पसंद है तो केसर भी डाल सकते हैं, कलर भी डाल सकते हैं। जो हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं इसीलिए इससे हम इसे व्हाइट ही रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारे घी पैन छोड़ रहा है, इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। आपको मन चाहे तो आप उसे पाउडर बना के डाल सकते हैं, उसको दाने के रूप में डाल सकते हैं। और आपको इलायची का स्वाद ना पसंद हो तो न डालें, आपके स्वाद अनुसार आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ड्राई फ्रूट मैं डाल रही हूँ। धीरे धीरे हलाइए गैस पे, आंच उसकी फास्ट कर दीजिए। आप देख रहे हैं ये जो सूजी का हलवा हम बना रहे हैं हमारा पैन छोड़ रहा है, घी छोड़ रहा है। आप इसमें नेचुरल कलर डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, पर हम प्रसाद के रूप में बना रहे हैं इसलिए। इसे 2 मिनट ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं हमारा सूजी का हलवा एकदम तैयार हो गया है। इसे सर्व करने के लिए 2 मिनट 1 सेकंड इसे पैन में ही रहने दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारा हलवा सूजी का एकदम खाने के लिए, प्रसाद में रखने के लिए भी एकदम तैयार है। अब एक बाउल लेके उसमें सर्व कर सकते हैं आप। आपको चाहे तो इसके ऊपर से घी डाल सकते हैं, आपको पसंद है आपके स्वाद अनुसार आप घी ज़्यादा कम डाल सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा घी ऊपर से सर्व कर रही हूँ क्योंकि घी वाला हलवा सबको पसंद आता है। जो हमने ड्राई फ्रूट 2 बचा के रखे थे थोड़े यहाँ सर्व करने के लिए, उसे यहाँ मैं रख देती हूँ। आप देख सकते हैं आपके स्वाद अनुसार आप इतने डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट। गर्मा गर्म स्वादिष्ट भगवान को प्रसाद के लिए हमारा सूजी का हलवा आप देख सकते हैं। ये सूजी का हलवा तैयार है। आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कीजिए और दूसरी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। MD किचन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।